प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के धारोल स्थित टिम्बर मार्केट में मौजूद लकड़ी के गोदामों में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना पर से दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चार दुकानों सहित दो लकड़ी के गोदाम बुरी तरह जलकर खाक हो गए। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के धार रोड स्थित टिम्बर मार्केट का है। लकड़ी गोडाउन संचालक दिलबाग सिंह के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते बेकाबू हो गई और आसपास के लगे अन्य गोदाम और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लगभग सुबह 5 बजे के करीब दमकल की टीम को इसकी जानकारी लगी। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और आखिरकार 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर फायर इक्विपमेंट अग्निशामक यंत्र न होना भी एक बड़ी लापरवाही है। कई बार हिदायतों के बाद भी अग्निशामक यंत्र गोदामों में नहीं मौजूद रहते हैं। वहीं दूसरी ओर आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। गनीमत रही कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि आग की चपेट में आने के बाद लाखों रुपए की लकड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। सूचना आग 8:28 सूचना आई हम कंट्रोल रूम में, पुलिस फायर कंट्रोल रूम में, तो वहाँ से फिर जेएनटी मार्केट की गाड़ी रवाना करी। उसके बाद मोती तो बाला के रवाना करें, उसके बाद गांधी हाल के रवाना और लक्ष्मी नगर रवाना। नुकसान तो ये बड़ा पीठा है, उससे पीछे वाले 4 दुकान है, उसके पीछे 4 दुकान डोली और ये बड़ा पीठा, ये भी इसका भी नुकसान होगा। काफ़ी बचा लिया हमने, फिर कम से कम 75% बचाया, 25% चला इसका। गणेश ट्रेडर्स के नाम से टिम्बर वाले को जमा, तो उसमें 75% सामान बचा लिया, 25% चला इसका। कोई गाले नो जहनानी कुछ नहीं हुआ। हाँ, पुलिस फायर ब्रिगेड 5 स्टेशन गाड़ी लगाई हमने।